गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको जो चैनल आईडी बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लो। इस चैनल पर 30 दिनों के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिला, यानी कि एक महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा व्यूज आया होगा, तब जाकर इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिला इस चैनल पर। अगर हम बात करें इसके अर्निंग की, तो यहाँ पर आप देखो $10,000 से ज्यादा ये चैनल एक महीने में जनरेट करता है। लेकिन अगर हम इसको मिनिमम $5,000 भी माने ना, तो यहाँ पर आप देखो $5,000 इंडियन करेंसी में लगभग 4 लाख रुपए के आसपास होता है। अब आप देखो लास्ट 30 दिनों के अंदर इस चैनल पर 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहा है। अभी चैनल किस कंटेंट को अपलोड करता है, किस टाइप की वीडियो अपलोड करता है, जिसकी वजह से इसके चैनल पर इतना ज्यादा व्यूज आ रहा है। क्योंकि दोस्तों हमें अपने शॉर्ट चैनल को मोनेटाइज करने के लिए सिर्फ 10 मिलियन व्यूज की जरूरत होती है, और इसने तो 40 मिलियन ले आया, यानी कि इसके चैनल तो एक वीडियो में ही मोनेटाइज हो गया होगा। अगर आप सोचते हो ना भाई तुम हमें ऐसे चैनल क्यों बताते हो, तुम खुद ऐसे चैनल खुद स्टार्ट क्यों नहीं कर लेते, तो भाई ऑलरेडी मेरे पास 2 शॉर्ट चैनल है, दोनों पर वीडियो वायरल होता है एंड अर्निंग भी जनरेट होती है। ये चैनल आईडिया मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि भाई मैं जानता हूँ आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो भाई आपके पास भी पैसे नहीं रहते, यहाँ पर आपको लोन वगैरह कुछ भी, यहाँ पर भाई थोड़ा बहुत पैसों की दिक्कत तो रहता ही है, ये सब चलता ही है। तो भाई आप भी चाहते हो कायज हमें ऐसा छोटा सा कोई रास्ता मिल जाए जिससे बस आराम से 10 से 12 हजार महीना आने लगे, तो हमारी जिंदगी सेट है। तो भाई इसी तरीके से मैं आपको ये चैनल आईडी बताने वाला हूँ, अगर आप इस पर मेहनत से काम करोगे ना। तो यहाँ पर आप देखो ये सिल्वर प्लेटन तो मैंने अपनी 3 वीडियो की यहाँ पर जो सब्सक्राइबर्स है उनसे मंगा लिया था, क्योंकि देख सकते हो एक एक वीडियो से मैंने 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किया है। तो सिल्वर प्लेटन तो मैंने बड़ी आसानी से मंगा लिया। तो इस चैनल का नाम है झकास फैक्ट एंड यहाँ पर आप देखो इस पर 64 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। एंड किस टाइप का कंटेंट इस पर अपलोड किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ट्रेजर हंट वाला कंटेंट अपलोड किया जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स है जो कि यहाँ पर मट्टी में कुछ खोदते हैं, यहाँ पर कुछ उनको मिलता है, तो वो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं कि हमें ये खजाना मिल गया, भले ही वो रियल ना हो लेकिन भाई उस पर व्यूज भर भर के आता है। अब ये बंदा क्या करता है, उन्हीं यूट्यूबर्स की बड़ी वीडियो को छोटा क्लिप कट करके कन्वर्ट करके उनमें अपनी आवाज दे के यूट्यूब पर अपलोड करता है। एंड देखो रिसेंट वीडियो पर कितना ज्यादा व्यूज आया है। एंड पॉपुलर की बात करें तो यहाँ पर देखो भाई 4.5 करोड़, 2.8 करोड़, 2.4 करोड़, इस तरह का भाई देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह की वीडियो आपको मिलेंगे कहाँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस टाइप के कंटेंट इस पर काम करना है, बाकी मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको इस तरह के ट्रेजर हंट वाले वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करनी है जिससे लोग आपकी वीडियो को ज्यादा ज्यादा देखें एंड अच्छा ऑडियंस रिटेंशन आपकी वीडियो पर आएगा, तो भाई आपकी वीडियो डेफिनेटली वायरल होकर रहेगी। और फिर मैं आपको बताऊंगा आपको AI वॉइस कैसे जनरेट करनी है, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेन यहाँ पर एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग का काम। देखो भाई एडिटिंग तो कोई भी कर सकता है लेकिन कलर ग्रेडिंग कोई भी नहीं कर सकता। लाइव प्रूफ के लिए आप इस वीडियो को देखो, देखो ये वीडियो बिल्कुल नॉर्मल से वीडियो जिसे मैंने डाउनलोड किया है एंड थोड़ा बहुत एडिट किया है वॉइस वगैरह लगा के, इसमें यहाँ पर कुछ भी कलर ग्रेडिंग नहीं किया गया। लेकिन अब आप देखो इस प्रोफेशनल वीडियो को इसमें मैंने कलर ग्रेडिंग किया है और यहाँ पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, फ्री में कलर ग्रेडिंग किया है। अब आप खुद बताओ आप इस वीडियो को देखोगे कि इस वीडियो को भाई इसकी क्वालिटी दमदार है, लोग इसको जरूर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर भाई ये प्रो लेवल का वीडियो है। अब आपको कलर ग्रेडिंग कैसे करना है वो मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना। एंड चलिए बराटा मिस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक ही वर्ड सर्च करना है, यहाँ पर ट्रेजर हंट। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ट्रेजर हंट सर्च किया, इसके बाद देखो भाई काफी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो आ जाएंगे जो इन्हें यहाँ पर मिलता है। तो भाई मैं आपको बताऊं ना, अगर आपको जल्दी अपने चैनल ग्रो करना है तो आप इस टेक्स्ट में एक चीज और ऐड कर दो, यहाँ पर देखो ट्रेजर हंट इन वाटर। यहाँ पर इसका क्या होगा भाई, समुद्र के अंदर जो चीजें मिलती है लोगों के अंदर बहुत चुल होती है भाई इस तरह की चीजें देखने की। ये लो भाई ये चैनल आ गया पहला चैनल, इसको बंदे को 5-5 iPhone मिले समुद्र के अंदर, और ये देखो भाई फिश वगैरह दिखा रहा है। ये आप अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर दिखाओगे ना तो कैसे नहीं आएगा व्यूज, भर भर के आएगा व्यूज भाई, आप यकीन तो करो। देखो अब आपको इनके वीडियोज को लेना कैसे, तो देखो यहाँ पर तो मैं आपको नहीं बता सकता बट आप मेरा टेलीग्राम चेक कर लेना, वहां पर आपको सब पता चल जाएगा। अब देखिये ये वीडियो मैं डाउनलोड कर लूंगा एंड इसके बाद अब बात करते हैं मैन स्क्रिप्ट की, स्क्रिप्ट आपको कैसे लिखनी है। तो देखिए स्क्रिप्ट मैं आपको अभी लाइव लिख के बताने वाला हूं, मैं यहां पर कोई भी यहां पर आपको फेक प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देख लेना आगे की क्लिप को जिसमें आपको स्क्रिप्ट लिख के दिखाने वाला। सो गाइस तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फोन होना चाहिए, वो तो भाई आपके पास होगा जिससे आप वीडियो देख रहे होगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नोटपैड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। भाई हर फोन के अंदर नोटपैड एप्लीकेशन होता ही है, तो आपको उसको ओपन कर लेना है। अगर नहीं भी हो तो आप यहां पर डाउनलोड कर लेना एंड इसके बाद देखिए आपको अपने फोन के गैलरी को ओपन करना है एंड उस गैलरी में उस को ओपन करना है जो कि आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हो, अपना वीडियो अपलोड करना चाहते हो। देखो मैंने ये वीडियो डाउनलोड कर लिया ट्रेजर हंट वाला। अब देखिए स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं मैं आपको लाइव बताता हूँ, और भाई आप सिर्फ इसी वीडियो का नहीं आप किसी भी कैटेगरी के शॉर्ट्स का स्क्रिप्ट लिख सकते हो, बस ध्यान से देखो वीडियो को। देखो सबसे पहले हम इस वीडियो को प्ले करते हैं, देखो क्या हो रहा है, ये बंदा पानी के अंदर जाता है और कुछ ढूंढने की चीजें करता है। पहले तो इसे यहाँ पर सामान नहीं मिलता जो ये ढूंढना चाहता है, ठीक है
और आगे क्या हो रहा है देखते भाई। अब आगे से कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये क्या, इससे आगे कुछ गिलास देने को मिलता है, लेकिन भाई ये भी फोन नहीं था, मतलब इसे चश्मा मिल जाता है लेकिन यहाँ पर ये फोन डूब रहा है, तो इसे फोन नहीं मिलता है। आगे इसे मछली मिल जाती है, ठीक है। एंड भाई अभी आप देखना, मैंने ये वीडियो पहले देख लिया है, इसको आईफोन मिलता है। यहाँ पर आप देखो भाई, यहाँ पर ये बंदे को आईफोन मिल जाता है फाइनली, यहाँ पर ये बंदा बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर ये देखो, तो ऐसा कुछ हुआ है। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल से मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। देखो आप जो वीडियो अपलोड करना चाहते हो उसको आप 2 से 3 बार देखो, एंड भाई ऑटोमेटिक आपके माइंड में एक स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी। देखो जैसे मेरे माइंड में इस वीडियो को देखकर स्क्रिप्ट जनरेट हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों को इमोशनल करूंगा इस वीडियो को जबरदस्ती देखने के लिए। मैं कहूंगा, मैं यहाँ पर मतलब क्या कहूंगा, यहाँ पर ये कहूंगा मैं, दोस्तों इसके पापा के पास फोन नहीं होता है, इसलिए बंदा ठान लेता है आज मैं समुद्र में जाऊंगा और जब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मेरे पापा के लिए एक आईफोन नहीं देख लेता, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट। तो देखो स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आना चाहिए। देखो अभी मैंने कीबोर्ड ओपन किया है, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज दिख रहा है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले कीबोर्ड में हिंदी लैंग्वेज कर लेना, जिससे आप कुछ भी टाइप करो तो यहाँ पर वो हिंदी में यहाँ पर टाइप हो। एंड देखिए इसी तरीके से आपको बगल में वॉइस का ऑप्शन मिलता है वॉइस टाइपिंग का, तो देखिए हिंदी लैंग्वेज आपको कर लेना है सेट, एंड इसके बाद वॉइस टाइपिंग करना है। अब देखो मैं अपने स्क्रिप्ट को बोलूंगा एंड स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक दिखाएगी। ये देखो दोस्तों, इस बंदे के पापा के पास आईफोन नहीं था, इसलिए इस बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि यह समुद्र में छलांग लगा देता है और कहता है आज मैं समुद्र से तब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मैं मेरे पापा के लिए आईफोन नहीं ढूंढ लेता। अब दोस्तों ऐसे बेटे के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, और आपके पापा के पास कौन सा फोन है आप कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों ये बंदा समुद्र में आईफोन ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस बंदे को सिर्फ कबाड़ा ही मिलता है, और आगे ये सोचता है कि अब मुझे फोन मिल जाएगा, लेकिन आगे तो इसको एक टूटा हुआ चश्मा मिलता है। लेकिन दोस्तों फाइनली इसकी मेहनत रंग लाई, इसे मिल जाता है एक आईफोन जो कि ये सुधरवा कर अपने पापा को दे सकता है। लेकिन ये बंदा और भी कई चीजें ढूंढने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इसे प्यारी सी मछली मिलती है, एंड आगे इसे मिलता है वापस से टीन टक्कर कबाड़। लेकिन दोस्तों अब इस बंदे को एकदम चमचमाता हुआ नया आईफोन मिल जाता है आगे। दोस्तों इसकी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और आपका ड्रीम फोन कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो अब आप लोगों ने स्क्रिप्ट लिख ली, लेकिन अब आपको AI वॉइस कैसे जनरेट करना है, तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देखो। आपको आना है क्रोम पर, एंड क्रोम पर आने के बाद सिंपल से आपने जो स्क्रिप्ट लिखी, अभी आपने देखा किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं, उस तरीके से आपको वीडियो को देखना है एंड उसकी स्क्रिप्ट लिख के इस वेबसाइट पर कॉपी कर देना है जिसका नाम है 11 Labs। एंड यहाँ पर कैरेक्टर एंड वॉइस सेटिंग आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, एंड उसके बाद जनरेट पर क्लिक करोगे तो इस तरह का वॉइस जनरेट हो जाएगा, एंड इसको सिंपल से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री। एंड भाई अगर आपको यहाँ पर 10,000 वर्ड की लिमिट खत्म हो जाती है और फिर आप वॉइस यहाँ पर जनरेट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ तो प्रोसेस नहीं बता सकता, बट आप मेरे इस बार वीडियो को देख लेना, इसका लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप AI वॉइस का यहाँ पर यूज कर सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पर पेंडिंग वाला काम नहीं मिलेगा कि भाई इतने वॉइस के बाद आप यहाँ पर जनरेट नहीं कर सकते वॉइस, आप इस वीडियो को देख लेना आपको सब समझ आ जाएगा। एंड अब फटाक से मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इस तरह की वीडियोस की एडिटिंग करनी है एंड कलर ग्रेडिंग करनी है। देखिए हम दो एप्लीकेशन के यूज करेंगे, पहला तो हो गया हमारा कैन मास्टर, जिसमें हम यहाँ पर वॉइस को मैच करेंगे एंड थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेंगे कॉपीराइट से बचने के लिए। एंड देखिए इसको मेन हमारा कलर ग्रेडिंग जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा वो मैं करता हूँ कैपकट एप्लीकेशन से। कैपकट अगर आपके पास नहीं हो तो आप मेरा टेलीग्राम चेक कर लेना, एंड कैपकट के लिए आपको एक VPN डाउनलोड करना होगा जिससे कैपकट चलेगा, क्योंकि कैपकट इंडिया में बैन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके जरूर से रख लेना, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में। तो गाइस काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले आपको प्लस पर जाना है, एंड प्लस पर जाने के बाद आपको 916 करें सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है। देखिए आपके पास काइनमास्टर कोई सा वर्जन हो सब में आपको एक जैसा इंटरफेस शो होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले उस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, एंड वीडियो ऐड करने के बाद देखिए सबसे पहले काम आपका करना है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन शो होता है मिक्सर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको म्यूट कर देना है इसके साउंड को। एंड इसके बाद वीडियो पर फिर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर पैन एंड जूम एक ऑप्शन शो होता है, इस पर क्लिक करके अपने वीडियो को कुछ इस तरह से जूम करेंगे एडजस्ट कर लेंगे, एंड इसके बाद बराबर पर क्लिक करके बैक आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें एक बॉर्डर क्रिएट करना होगा तभी हमारा वीडियो पर ज्यादा क्लिक आएगा। तो आपको लेयर पर जाना है, एंड इसके बाद आपको मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने के बाद आपको इमेज पर जाना है, एंड यहाँ से एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर व्हाइट है तो हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका कलर पर क्लिक करेंगे, एंड इसको हम कर लेंगे येलो।
येलो करने के बाद इसके ऊपर स्लाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से, इतना एंड इतने रहने देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट करेंगे। अब जो बैकग्राउंड हमने डुप्लीकेट किया है उस पर क्लिक करेंगे एंड इसको कर लेंगे रेड। अब रेड करने वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे एंड थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे। अब ये बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब लेयर पर जाएंगे एंड टेक्स्ट पर जाकर हमें कुछ क्लिकबेट लिखना होगा। यहाँ पर क्लिक दे दे, यहाँ पर कुछ भी क्लिकबेट देखिए। एंड इसके बाद आपको सबसे पहले तो क्या करना है, फॉन्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से एक अच्छा बढ़िया सा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर कोई सा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाना है एंड ऊपर इस तरह से एडजस्ट करके साइज और बढ़ा लेंगे। भाई अभी जगह है काफी इस तरीके से। एंड यहाँ पर देखिए इसका जो कलर है वो आप क्लिक कर लो रेड, एंड कोई सा भी कर सकते हो वो जो भी आपको अच्छा लगे। एंड अब आपको तीनों लेयर्स को वीडियो के एंड तक करना है। देखिए यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं एंड इसके बाद जो हमने कॉपी की थी उस लेयर को भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से बढ़ा देते हैं। ये तो टेक्स्ट लेयर है एंड इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए वीडियो का जो खराब पार्ट है स्टार्टिंग का उसको कट करेंगे। तो देखिए ट्रिम पर जाएंगे एंड देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हो रही है एंड ये बंदा अंदर जाता है, यहाँ अंदर जा रहा है जहां से करेंगे तो ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर इसको और जूम कर लेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से। बस यहाँ पर देखिए अब हम ऑडियो ऐड करेंगे। ऑडियो ऐड करने के लिए ऑडियो पर जाएंगे एंड यहाँ से हम जाएंगे एल्बम पर। एल्बम पर से जाने के बाद जहां पर मैंने वो वॉइस रखा हुआ है मैं उसको यहाँ पर फटाक से ऐड कर लेता हूँ। तो अब मैंने इस ऑडियो को ऐड कर लिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम करना है एंड देखिए इस ऑडियो में आपको बीच बीच में कुछ गैप दिख रहा होगा, इसी को आपको खत्म करना है। इसलिए मैंने कैन मास्टर को चूज किया है एडिटिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको वॉइस में इफेक्ट डालना होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले तो मिक्सर पर जाना है एंड 200% ऑडियो करके ऑडियो वॉल्यूम कर देना है। एंड इफेक्ट डालने के लिए रिवर्ब पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सबसे लास्ट स्टूडियो सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे वॉइस में इफेक्ट डाल गया है लेकिन देखो यहाँ पर वॉइस में गैप है, इसको खत्म करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, वॉइस पर तो क्लिक किया है हमने, स्क्रोल करेंगे एंड ट्रिम पर जाएंगे। इसके बाद हमें एक ऑप्शन शो होता है स्प्लिट का, इस पर क्लिक करेंगे एंड देखिए पहला ऑडियो जहाँ खत्म हो रहा है दूसरा ऑडियो ठीक वहाँ पर शुरू होना चाहिए, इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे। एंड देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इस तरीके ट्रिम एंड स्प्लिट एंड इसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे इसको, यहाँ पर देख सकते हो। एंड फिर से यहाँ पर देखिए गैप है, क्लिक करेंगे एंड ट्रिम एंड स्प्लिट। एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग कहते हो हमें कुछ समझ नहीं आता, तुम सब कुछ यहाँ पर जल्दी करके बता देते हो। तो देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कट था तो मैंने सिलेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पर फिर कट आ गया तो यहाँ पर क्लिक करके स्प्लिट करेंगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लाइड कर देंगे। एंड देखिए यहाँ पर फिर कट आ गया, क्लिक करेंगे एंड ट्रिम स्प्लिट एंड सेम प्रोसेस थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा स्लाइड नहीं करना है, जहाँ पर पहला ऑडियो खत्म हो रहा है वहीं पर दूसरा शुरू होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ज़्यादा अगर कर दोगे तो भाई वो AI एक साथ बोलेगा दोनों वॉइस को, तो यहाँ पर आप समझ रहे हो वीडियो बेकार हो जाएगा। तो आपको बहुत संभल कर करना है एडिटिंग, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन दोस्तों अच्छे से एडिटिंग करोगे ना तो लोग ज़्यादा वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा देखेंगे तो भाई सीधी सी बात है वीडियो तो वायरल होगा ही। एंड देखिए यहाँ पर कुछ गैप और बचे हुए हैं एंड सिंपल से इनको और कट कर लेते हैं, बाकी पर हमारा काम हो ही गया है। देखिए कुछ इस तरीके से एंड अभी यहाँ पर देखिए आपने वॉइस को तो ऐड कर लोगे, आप अच्छे से एडजस्ट कर लोगे लेकिन अभी आपको वीडियो को भी करना होगा। अब आप कहोगे वीडियो को कैसे करेंगे, तो देखो जहाँ पर AI वॉइस जो चीज़ बोल रहा है ना वहाँ पर वो चीज़ आना चाहिए, तो आपको वीडियो के पार्ट को कट करके वहाँ पर उस चीज़ को लाना है। तो कैसे लाना है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, थोड़ा सा उससे ऐड करते इसको एंड यहाँ पर कर लेते ये रहा गैप एक और, इस पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए एंड यहाँ पर फिर से जाते हैं एंड क्लिक करेंगे ट्रिम स्प्लिट एंड यहाँ पर कर लेते हैं। बस हमारा वो शेयर हो ही गया पूरा एडिट, यहाँ पर थोड़ा बहुत और बचा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे एंड गैप को खत्म कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। भाई मैं आपको पूरा प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर आगे देखना चाहते हो तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो ये प्रोसेस, बाकी मैं कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहते हो भाई आगे तुम यहाँ पर कुछ ट्रिक लगा देते हो यहाँ पर ये कर देते हो जिससे हमारा वॉइस तुम्हारे जैसा नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ पर लगभग पूरा वॉइस तो कर लिया है, थोड़ा बहुत और बचा है तो इसमें फटाक से कर लेता हूँ। तो देखो बस इतना काम हो गया, अब जहाँ पर वॉइस खत्म हो रहा है यहाँ से वीडियो को ट्रिम राइट कर देंगे यहाँ पर एंड सिंपल से क्या करेंगे, इस वीडियो को क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पर एंड सिंपल से हमारे जो वीडियो है उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हो क्या रखी मैंने एंड सिर्फ इस वीडियो पर क्लिक कर देंगे। तो देखो इस तरह का कुछ एडिटिंग का काम था एंड देखो अब मैं आपको कलर ग्रेडिंग के लिए कैपकट एप्लीकेशन में लेकर जाने वाला हूँ, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एडिटिंग करनी है कैपकट एप्लीकेशन कलर ग्रेड करना है। उससे पहले आप एक बात का ध्यान रखो, आपको यहाँ पर VPN जरूर से ओपन कर लेना है, मैं यूज करता हूँ सिक्योर VPN, आप उसको भी यूज कर सकते हो। एंड चलिए जब तक ये वीडियो सेव हो रहा है तब तक हम चलते हैं फटाक से अपने कैपकट एप्लीकेशन में। तो अभी मैंने ओपन कर लिया अपने कैपकट एप्लीकेशन, अभी आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको उस वीडियो को ऐड करना है जो अभी आपने कैन मास्टर से एक्सपोर्ट किया है।
तो यहाँ पर हम इसको सिंपल से यहाँ पर ये अटका लेते हैं। एंड देखिए इसके बाद आप क्या करना है, कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले आप वीडियो पर क्लिक करोगे एंड इसको कॉपीराइट से बचाने के लिए आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करोगे एंड मिरर पर क्लिक कर दोगे, इसका पूरा पोर्शन चेंज हो जाएगा। अब आपको फिल्टर पर जाना है एंड एक फिल्टर ऐड करना है। देखिए कौन सा ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए ये वाला, इसे ऐड करने के बाद आपको इसकी लेयर को बढ़ा के अप्लाई टूल कर देना है। एंड अब आपको जाना है एडिट पर एंड एडिट पर जाने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है। एंड इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एच एस एल पर जाकर यहाँ पर जो कलर है इनकी सैचुरेशन को बढ़ा देना है। बस आपको सेकंड वाले कलर को यहाँ पर नहीं छेड़ना है। देखिए इतना कर लेते हैं एंड अप्लाई टू क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला हमारा जो टेक्स्ट वो गड़बड़ हो गया, तो इसको हम सही कर देते हैं। टेक्स्ट पर जाते हैं एंड दोबारा से यहाँ पर ऐड कर देते हैं टेक्स्ट। यहाँ पर हम लिख देते हैं वेट फॉर एंड, देखिए वेट फॉर एंड। इतना लिखने के बाद फॉन्ट पर जाएंगे एंड कोई सा फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड ले लेंगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को तो ले लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कर लेते हैं शैडो को ऐड, यहाँ पर कोई सा भी एक फॉर्मेट ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से एंड यहाँ पर कर लेते हैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा एंड यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर इस टेक्स्ट पर आपको डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको स्पेस दे देना है। क्यों दे रहा है स्पेस वो आप अभी यहाँ पर समझ जाओगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पर दोबारा क्लिक करना है यहाँ पर एंड कुछ इस तरीके से आप बैकग्राउंड ऐड हो गया है। इसका कलर आप कुछ भी कर सकते हो, ये रहा मेरा कलर। एंड देखिए इतना करने के बाद इसकी लेयर को आप वीडियो को एंड तक कर देना है, यहाँ पर देख सकते हो बस आपको वीडियो एडिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने वैसे टेलीग्राम पर सारे अपलोड कर दिया, आप वहाँ से ले सकते हो। तो देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ऑडियो पर जाएंगे एंड साउंड पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले सेट करके रखा है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग का पार्ट में कट कर देता हूँ, बेकार है। देखिए इसको यहाँ पर डिलीट करके स्लाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके जो वॉल्यूम है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 30 के आसपास और प्ले करके देखते हैं। बस इतना रन देंगे एंड क्वालिटी पर क्लिक करके 1080p एंड 60। इसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे सेव टू डिवाइस पर। इस तरीके से हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा एंड देखा कितना आसान था आपने कलर ग्रेडिंग करना वीडियो में। अब दोस्तों आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। फिलहाल आपको कोई भी डाउट हो एंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की तुरंत से पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं इस नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम।